ऑक्सीमीटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीमीटर जो कि आपके फ़ोन में चलेगा। कैसे इसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से इंस्टॉल करना है, कैसे रजिस्टर किया जाता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। कोविड महामारी में आप सभी को पता है कि हर एक घर में एक ऑक्सीमीटर की जरूरत सभी को पड़ रही है। अगर दोस्तों मैं बात करूं इस ऑक्सीमीटर की दोस्तों, तो इसमें आप लोगों को पल्स रेट, साथ ही आपका हार्ट बीट और SpO2 की जो लेवल है दोस्तों, ये ऑक्सीमीटर आपका बताता है। बट गाइस, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये काम अब आपके खुद के एंड्रॉयड फ़ोन से आप कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों अभी एक लेटेस्ट में न्यूज़ निकल के आई है एक एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है केयरप्लिक्स वाइटल्स। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं करता है इस एप्लीकेशन का, और ना ही मैं ये कह सकता हूं कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल 100% डाटा बता रही है। चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको इंस्टॉल करने की बात करते हैं, तो आप इसे सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आपको इसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से इंस्टॉल करना है आगे की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कहाँ से आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर केयरप्लिक्स वाइटल्स का यहाँ पर एक नाम आ रहा है। आप जैसे इसे करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ लॉगिन मांगा जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, फ्री टू यूज एप्लीकेशन है, अभी रिसेंटली ये लॉन्च भी हुआ है। अभी देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, तो नीचे आप देख सकते हो एक रजिस्टर का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। सिंपल आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, आपका जो भी नाम है आप नाम डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, टेक सर कर देता हूँ, एक सर जी कर दे रहा। ईमेल की मैं बात करूँ, आप अपना एक ईमेल डाल सकते हो। डालने के बाद उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी कंट्री को यहाँ सेलेक्ट करना है। कंट्री दोस्तों आप जिस भी कंट्री से हो वहाँ आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें अपना पासवर्ड एक सेट करना है, जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हो, अल्फ़ाबेट, उसके बाद दोस्तों नंबर और कोई सिंबल आपको यूज करना है। मैं कोई दे देता हूँ, और नीचे आपको एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन की बात किया जा रहा है। सिंपली आपको इसे एक्सेप्ट करना और रजिस्टर कर देना है। देखिए दोस्तों, जब तक ये रजिस्टर्ड हो रहा है, मैं बता दूं आप लोगों को, इसको डाउनलोड दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन इस तरह से कुछ खुल के आ चुका है। अभी मैं अपनी स्क्रीन दिखा रहा हूँ, फ़ोन का स्क्रीन दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो इस अपने हार्ट बीट को, पल्स को लेकर के। तो सिंपल आपको यहाँ अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ऊपर का आप होम स्क्रीन देख सकते हो, यहाँ डैशबोर्ड है आपकी, वाइटल्स हिस्ट्री है, वाइटल्स एनालिटिक्स है, अबाउट अस है और लॉगआउट है, ठीक है। अभी आपको यहाँ क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको बताया भी जा रहा है कि कैसे करना है। सबसे पहले आपने, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, ये पीछे इसका कैमरा है, Poco X3 फ़ोन है ये, तो इसका कैमरा राउंड में है। तो जो भी राउंड में कैमरा है, तो आप कैमरे के साथ फ्लैश पे ऐसे आपको अपना रखना है। साथ ही दोस्तों आप जैसे ही यहाँ स्टार्ट स्कैन पे क्लिक करोगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक तरह से दिखेगा, ठीक है, यहाँ दिखेगा, और आपको इस तरह से इसे रखना है। आप नीचे देख सकते हो सिग्नल स्ट्रेंथ, एवरेज, गुड, आपको सभी दिखेगा ये, ठीक है। जब ये आपको गुड या एवरेज भी हो जाए, वो अचानक से क्या करेगा, परफेक्ट के बाद आपका ये ले लेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, मैं म्यूजिक बंद करता हूँ, ध्यान रहे कि आपको यहाँ से इसको फिर वापस नहीं हटाना है, आपको यहाँ ही रखना होगा लगातार इसे। और उसके बाद दोस्तों आप इसमें अपनी सारी डिटेल्स आप देख सकते हो, जैसे ऑक्सीजन सेचुरेशन, हार्ट रेट और रिस्पिरेशन रेट जो है वो आपका यहाँ पर ये एप्लीकेशन बता देता है। लेकिन बट गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। अगर मैं बताऊँ, कोई भी कोविड पेशेंट के ऊपर आप इसे ट्रायल लेना चाहते हो तो बिल्कुल ऐसा मत करना। मैं आपको रिकमेंडेशन फिर से वही ऑक्सीमीटर का करूँगा, जो आपको फिंगर ऐसे इंसर्ट कीजिए और आपका तुरंत का तुरंत ये आपका जो वैल्यू है वो बता देता है, यानी कि सेकंडों में ये टाइम नहीं लेता है। और इसमें तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है ये, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा,
तो अपने उन सारे लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो, जो कि दोस्तों आपको नॉर्मली पता होगा इस ऑक्सीमीटर की जो प्राइस है लगभग दोस्तों 1800 से लेकर के 2400 मार्केट में है। और ये प्राइस में दोस्तों अगर कोई एप्लीकेशन वर्क कर रहा है तो दोस्तों वो आपका एंड्रॉयड फ़ोन बिल्कुल फ्री में कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, उस लिंक को शेयर करें जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ताकि दोस्तों काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा लोगों तक ये मदद जो है वो पहुँच सके। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो या पब्लिक के लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अपनी राय बताइएगा इस एप्लीकेशन को ट्राई करने के बाद, क्या ये आपकी हार्टबीट SpO2 की वैल्यू बता रहा है या नहीं बता रहा है, किस तरीके का ये एप्लीकेशन रह रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।